हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं डॉक्टर साहिल रॉय और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ई कॉमर्स स्कॉलर में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है स्टेप्स इन डिमांड फोरकास्टिंग। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं डिमांड फोरकास्टिंग के। डिमांड फोरकास्टिंग बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं और समझते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन डिमांड फोरकास्टिंग। स्टेप्स इन डिमांड फोरकास्टिंग में सबसे पहले कहा जा रहा है टू अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट्स, इट इज इंपॉर्टेंट दैट द डिमांड फोरकास्टिंग इज डन सिस्टमैटिकली। डिमांड फोरकास्टिंग इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स। तो डिजायर्ड रिजल्ट्स, जो भी आपने प्लानिंग की है उसे अचीव करने के लिए, जो भी आप रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसको अचीव करने के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको जो डिमांड फोरकास्टिंग है वो सिस्टमैटिकली करना बहुत जरूरी है। और जो फोरकास्टिंग किया जाता है उसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला स्टेप जो है हमारा स्पेसिफाइंग द ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा है डिटरमाइनिंग द टाइम पर्सपेक्टिव, तीसरा है सेलेक्टिंग द मेथड फॉर फोरकास्टिंग, चौथा है कलेक्टिंग एंड एडजस्टिंग डेटा, और आखिरी है इंटरप्रेटिंग द आउटकम्स। आइए इन सारे स्टेप्स को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा स्पेसिफाइंग द ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। इसमें कह रहे हैं द पर्पस ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग नीड्स टू बी स्पेसिफाइड बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस। डिमांड फोरकास्टिंग के प्रोसेस को शुरू करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा पर्पस क्या है डिमांड फोरकास्टिंग का, हम किस लिए कर रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा, वो हमारा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इन्होंने बोला द ऑब्जेक्टिव कैन बी स्पेसिफाइड ऑन द फॉलोइंग बेसिस। ऑब्जेक्टिव्स भी स्पेसिफिक हो सकते हैं, जैसे इन्होंने पहला पॉइंट कहा है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिमांड फॉर आवर प्रोडक्ट। हम किसी भी एक प्रोडक्ट की, या तो हम शॉर्ट टर्म डिमांड के बारे में हम स्टडी करेंगे या तो लॉन्ग टर्म के बारे में स्टडी करेंगे। किसी एक प्रोडक्ट की शॉर्ट टर्म डिमांड को एनालाइज करना, फोरकास्टिंग करना, ठीक है, ये एक अलग चीज हो गया। लॉन्ग टर्म डिमांड को स्टडी करना, एनालाइज करना, एक अलग चीज हो गया, ठीक है। हर एक चीज के लिए स्पेसिफिक प्रोसेस इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरे में कह रहे हैं इंडस्ट्री डिमांड और डिमांड स्पेसिफिक टू एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब एक इकलौते फर्म या एक इकलौते ऑर्गेनाइजेशन की बात की जा रही है। पूरे इंडस्ट्री की डिमांड, पूरे इंडस्ट्री की डिमांड भी अलग हिसाब से आप स्टडी करोगे, ठीक है, फोरकास्ट करोगे। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की भी डिमांड आप अलग हिसाब से एनालाइज करोगे, ठीक है, उसका प्रोसेस अलग होगा। लास्ट में कह रहे हैं होल मार्केट डिमांड और डिमांड स्पेसिफिक टू अ मार्केट सेगमेंट। पूरे मार्केट की डिमांड, कि पूरा मार्केट एक इकोनॉमी जो है वो क्या डिमांड कर रहा है, डिमांड स्पेसिफिक टू अ मार्केट सेगमेंट। एक पर्टिकुलर मार्केट सेगमेंट में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या डिमांड हो सकती है और कब हो सकती है, ये। अगले पॉइंट में कहा जा रहा है डिटरमाइनिंग द टाइम पर्सपेक्टिव। अब डिटरमाइनिंग द टाइम पर्सपेक्टिव में कह रहे हैं कि डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्टिव जो डिमांड है उसे फोरकास्ट किया जाता है शॉर्ट पीरियड के लिए, जो कि 2 से 3 साल होता है, और लॉन्ग पीरियड जो होता है वो 10 साल या 10 से ऊपर होता है, बियॉन्ड 10 ईयर्स। इफ एन ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म्स लॉन्ग टर्म डिमांड फोरकास्टिंग इट नीड्स टू टेक इनटू कंसिडरेशन कॉन्स्टेंट चेंजेस इन द मार्केट एज वेल एज इन द इकोनॉमी, ठीक है। तो अगर कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डिमांड फोरकास्टिंग का काम कर रहा है, तो उन्हें ये सारी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, कॉन्स्टेंटली ध्यान ये देना चाहिए कि बड़ी तेजी से हमारी जो इकोनॉमी है वहां पे कहाँ कहाँ क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। आपको कॉन्स्टेंटली इस चीज पे फोकस करना है कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें चेंज हो रही है, और उस चेंजेस के हिसाब से ही आपको फोरकास्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डिमांड फोरकास्टिंग एक प्रोसेस है जो फ्यूचर के ऊपर है, फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस है जिसे हम कह सकते हैं। सेलेक्टिंग द मेथड फॉर फोरकास्टिंग, अब बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, तो कौन सा बेस्ट सूटेबल मेथड है फोरकास्टिंग का, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देर आर वेरियस मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग विच हैव बीन डिस्कस्ड लेटर इन दिस चैप्टर, ठीक है, हम आगे ये समझेंगे कि कौन कौन से मेथड्स हैं। हाउएवर नॉट ऑल द मेथड्स आर सूटेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। हर तरीके के मेथड, मतलब हर तरीके के डिमांड फोरकास्टिंग के लिए हर तरीके का मेथड सूटेबल नहीं है, डिपेंड करता है ना। डिपेंडिंग ऑन द ऑब्जेक्टिव द टाइम पीरियड द अवेलेबिलिटी ऑफ द डेटा द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू सेलेक्ट द मोस्ट सूटेबल फोरकास्टिंग मेथड। द सेलेक्शन ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग मेथड्स ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज ऑफ द डिमांड फोरकास्टर। तो एक बहुत अच्छा डिमांड फोरकास्टिंग का मेथड तभी चूज किया जा सकता है जो डिमांड फोरकास्टर, ठीक है, जो भी डिमांड फोरकास्टिंग कर रहे हैं उनके एक्सपीरियंस, उसके एक्सपर्टीज, नॉलेज के बेसिस के ऊपर ही एक अच्छा डिमांड फोरकास्टिंग चूज किया जा सकता है, ठीक है, एक बेस्ट मेथड चूज किया जाता है डिमांड फोरकास्टिंग के। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डाटा। अब जो डेटा है उसे हम कलेक्ट करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करेंगे, क्योंकि उसी बेसिस के ऊपर हमें फोरकास्टिंग करना है। देखिए, फोरकास्टिंग एक तरीके की फ्यूचरिस्टिक चीज है जो कि प्लानिंग की तरह होती है। प्लानिंग हम
पिछले नॉलेज एक्सपीरियंस डेटा की बेसिस के ऊपर करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम प्रॉपर प्लानिंग भी नहीं कर सकते। तो प्लानिंग के लिए एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है। इन्फॉर्मेशन मतलब वो डेटा से हम इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे। आफ्टर सेलेक्टिंग द डिमांड फोरकास्टिंग मेथड द डेटा नीड्स टू बी कलेक्टेड। तो सबसे पहले आपने डिसाइड ये कर लिया कि कौन से मेथड से आप डिमांड को फोरकास्टिंग करेंगे। तो जो डेटा आप कलेक्ट करोगे, मतलब उसी बेसिस पे आप डेटा कलेक्ट करोगे, जो भी मेथड आपने चूज किया। डेटा कैन बी गैदर्ड आइदर फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेस और सेकेंडरी सोर्सेस और बोथ। तो डेटा देखिए, डिमांड फोरकास्टिंग के मेथड के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसा डेटा कलेक्ट करेंगे, कहाँ से डेटा कलेक्ट करेंगे। या तो प्राइमरी सोर्स होगा जहाँ पे खुद जाकर के अपने हिसाब से डेटा कलेक्ट करेंगे, या तो सेकेंडरी सोर्स होगा जो किसी ने ऑलरेडी कलेक्ट करके रखा हुआ है, हम उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, या तो बोथ कलेक्ट भी करेंगे और दूसरे का भी इस्तेमाल करेंगे। एज डेटा इज कलेक्टेड इन द रॉ फॉर्म इट्स नीड्स टू बी एनालाइज इन ऑर्डर टू डिराइव मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ इट। तो जो डेटा कलेक्ट किया जाता है वो एकदम रॉ फॉर्म में होता है, मतलब उसका कोई मतलब मीनिंग नहीं निकलता। तो उसे क्या करना की जरूरत होती है, उसे प्रॉपर तरीके से एनालाइज करने की जरूरत होती है, ऑर्डरली फॉर्म में डालने की जरूरत होती है, ताकि वहां से कुछ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन हम गैदर कर सकें, ठीक है। लास्ट में कह रहे हैं इंटरप्रेटिंग आउटकम्स, ठीक है। तो ये जो भी हमने किया, एक मेथड चूज कर लिया, डेटा कलेक्ट कर लिया, उसको एनालाइज कर लिया, अब उसका जो आउटकम होगा उसको इंटरप्रेट करना है। आफ्टर द डेटा इज एनालाइज्ड इट इज यूज्ड टू एस्टिमेट डिमांड फॉर द प्री डिटरमाइंड ईयर्स, ठीक है। तो जब आपने डेटा एनालाइज किया तो अब उस एनालिसिस के बेसिस के ऊपर आप क्या करोगे, उसको इस्तेमाल करोगे ताकि आप प्री डिटरमाइंड ईयर्स के लिए डेटा एक एस्टिमेट निकाल सको। और प्री डिटरमाइंड ईयर्स का मतलब क्या, कि शॉर्ट टर्म के लिए 2 साल के लिए आप इन्फॉर्मेशन देख रहे हो कि 10 साल के लिए इन्फॉर्मेशन देख रहे हो। 2 साल में क्या होगा, 10 साल में क्या होगा, दोनों का रिजल्ट अलग निकलेगा, एनालिसिस अलग होगी। तो डिपेंड करेगा ना आपके ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, ठीक है। आफ्टर द डेटा इज एनालाइज्ड इट इज यूज्ड टू एस्टिमेट द डिमांड फॉर द प्री डिटरमाइंड ईयर्स, कि अगले 1 साल में कितनी डिमांड आ सकती है, अगले 2 साल में कितनी डिमांड आ सकती है, अगले 10 साल में कितनी डिमांड आ सकती है, ठीक है। जनरली रिजल्ट्स ऑब्टेन आर इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस व्हिच नीड्स टू बी प्रेजेंटेड इन कॉम्प्रिहेंसिबल फॉर्मेट। जनरली जो रिजल्ट आता है वो इक्वेशन के फॉर्म में होता है, जिसे हमको जरूरत क्या होती है कि जिसे हम कॉम्प्रिहेंसिबल फॉर्मेट में प्रेजेंट करें। कॉम्प्रिहेंसिबल फॉर्मेट का मतलब ये होता है, जैसे ग्राफ आपने देखा होगा, ग्राफ को देख करके आप चीजें समझ जाते हो, पाई चार्ट होता है जिसे आप देख करके चीजें आसानी से समझ जाते हो, तो वो अंडरस्टैंडेबल चीज है। अगर आपको उसको थोड़ी सी भी समझ है तो आप एक पाई चार्ट देख करके एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, किस महीने में कितनी डिमांड हो रही है, कितने की सेल हो रही है, वो सारा आप स्टडी कर सकते हो। वही इन्होंने बोला कि वो जो आउटकम आएगा उसे हम अपने हिसाब से एक कॉम्प्रिहेंसिबल फॉर्मेट में प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों आई होप एंड बिलीव कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ऑन दिस नोट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।